जबलपुर के बरेला में रहने वाले दो सगे भाइयों ने जल्दी अमीर बनने की चाह में चुन लिया अपराध का रास्ता और शुरू कर दी स्मैक की तस्करी। जी हां, रोहित सोनकर और नीरज जो कि सगे भाई हैं, अपने साथी जय पटेल के साथ मिलकर लंबे समय से स्मैक की तस्करी में लिप्त थे। मुखबिर की सूचना पर आज बरेला पुलिस और क्राइम ब्रांच ने दबिश देते हुए तीनों आरोपियों के पास से करीब 35 ग्राम स्मैक जब्त की है। आरोपियों के पास से पुलिस को 2 पिस्तल और 2 कारतूस भी बरामद हुए हैं। क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की है, अभी लगातार पुलिस मुख्यालय का भी निर्देश है, चुनाव समीप है, इसके कारण से युद्ध स्तर पे मादक पदार्थ और अवैध कार्रवाइयों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। एक दिन पहले अभी लगभग 1 क्विंटल गांजा भी पकड़ा गया है। इसी को बात को लेकर के आगे भी ये जो कार्रवाई है ये बढ़ाई गई है और अभी 3 जो आरोपी हैं, रोहित सोनकर, नीरज सोनकर, जय पटेल, ये लोग बरेला थाना क्षेत्र में एक जगह अवैध रूप से स्मैक बेचने का प्रयास कर रहे थे, जिसकी मुखबिर द्वारा सूचना मिली। मुखबिर की सूचना पर हमने क्राइम ब्रांच को और साथ में थाना बरेला की पुलिस को सक्रिय किया और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राइम के नेतृत्व में ये एक सफलता पुलिस को मिली है, जिसमें 35 ग्राम स्मैक और 2 पिस्टल एवं जिंदा कारतूस, लगभग 5 लाख रुपए का ये सामान, अवैध सामान बरामद हुआ है। और ये जो इस पकड़ धकड़ से निश्चित रूप से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में कमी आएगी, इसके पहले भी कई बार मादक पदार्थों को इसी तरह से पकड़ा है। राइट, इनका रिकॉर्ड है क्या पुराना और कहां से लेके आ रहे थे, क्या कुछ सोर्स पता चले हैं अभी तक? इसमें एक आरोपी रोहित सोनकर का क्रिमिनल रिकॉर्ड है पहले से भी और अभी अब और पूछताछ कर रहे हैं डिटेल में और इनके सोर्स का भी पता कर रहे हैं, ये कहाँ से लेके आते थे, वहाँ भी हम टीम भेजेंगे और निश्चित रूप से इसको, इस इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि और अवैध मादक पदार्थ पकड़ें।